हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो इसे पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम बीच में कोशिश करेंगे जहां पे पॉसिबल हो चीज़ों को ट्रिक के साथ याद भी करते चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम टेस्ट भी लगाएंगे, तो उसे भी आप दीजिएगा और देखिएगा अपना स्कोर क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली न्यूज़ ही हमारी इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम बन गए हैं कौन, जयराम ठाकुर। तो ये ठाकुर हैं, ठीक है, तो ठाकुर से याद रख लेना, ठाकुर साहब बन गए हैं हिमाचल प्रदेश के सीएम। और इसको देखो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, अमरीश पुरी का एक डायलॉग होता था ठाकुर साहब के ऊपर, अरे भाई, अरे ठाकुर साहब, आइए आइए, अरे भाई ठाकुर साहब, अब तो आप सीएम बन गए हैं। तो सीएम बन गए हैं कौन, ठाकुर साहब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इनके स्टैटिक देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला, सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं कौन, आचार्य देवव्रत। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो इंद्र किला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, इनको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने इन पर ट्रिकी वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें देख लें एक बार प्ले लिस्ट में जाके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ कि BCCI ने, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने, अपना जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है किसे, सब्बा करीम को। वन लाइनर याद रखना है, BCCI ने अपना जनरल मैनेजर किसे बनाया है, सब्बा करीम को। अब देख लेते हैं इसे याद कैसे रखा जाए। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके स्कूल में, कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जो प्रिंसिपल या डायरेक्टर की पोस्ट होती थी, या फिर टीचर भी अगर किसी को बना रहे हैं, तो किसे बनाएंगे, यानी कि टीचर बनाना हो, डायरेक्टर बनाना है, किसे बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, किसी एरे गेरे नत्थु गेरे तो कुछ बनाएंगे नहीं, ठीक है, ऐसे इंसान को बनाएंगे जिसे उसकी फील्ड में सब आता है। टीचर किसी सब्जेक्ट का है तो उसके उस सब्जेक्ट में सब आता हो तो उसे बनाएंगे, यानी कि एक इंटेलिजेंट पर्सन को बनाएंगे, ठीक है, तो उसको बनाएंगे जिसे सब आता है। तो बस यही हमारी ट्रिक है, ठीक है। तो BCCI ने अपना प्रेसिडेंट किसे बनाया, जिसे सब आता है, ठीक है, तो सब आता है में ही ट्रिक है, सब आता में ही इसका नाम है। देखो, BCCI ने अपना जनरल मैनेजर बनाया है सबा करीम को, जिसे सब आता है, सब आता है सबा को, सब आता है सबा को, बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन में देखोगे आप, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा और आपको कैसे देखना होता है। BCCI ने अपना जनरल मैनेजर किसे बनाया है, तो आप देखिएगा किसने बनाया था, जिसे सब आता है उसे बनाएंगे, सब आता है सबा सबा सबा, आप ऑप्शन में देखो सबा, तो ये रही सबा करीम, ठीक है। देखो दोस्तों, एक्चुअल में यही एक तरीका होता है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे कि ये क्या तरीका है, लेकिन हाँ, आप चीज़ों को इसी तरह से छोटी छोटी स्टोरी कनेक्ट करते चलो, जो भी उससे रिलेटेड बन रही हो स्टोरी कनेक्ट कर दो। देखो, रटने से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप रटोगे और रट भी लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई जल्दी रट लेगा, कोई देर से रट लेगा, लेकिन अगर आपने रटी हुई चीज़ों को एक आध दिन में रिवाइज नहीं किया तो आप भूलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन इस तरह से आप चीज़ों के साथ स्टोरी कनेक्ट करते चलोगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को याद रख पाओगे। हो सकता है वो मेन जो वर्ड है वो आप भूल जाओ, लेकिन आपको स्टोरी याद रहेगी, तो स्टोरी से आप उस मेन वर्ड पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और अगर बीच में गलती से भी आपने एक आध बार रिवीजन मार लिया, तो फिर तो सोने पे सुहागा है, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई, CEO है राहुल जोहरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड के जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने लॉन्च की है अपनी एक बायोग्राफी, नाम है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खेरा सेन का सूरज, ठीक है, ये नाम याद रखना है। किसने लिखा है, नंदन सिंह बिष्ट ने। वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा कि अभी उत्तराखंड के CM ने त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बायोग्राफी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, या फिर उसे लिखा किसने है, या फिर ये त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा और ये खेरा सेन का सूरज दे देगा और बोलेगा ये किसकी बायोग्राफी है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। स्टैटिक देखते हैं, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी बायोग्राफी है, और गवर्नर हैं KK पॉल। यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये पशु आएगा यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, देख लेना पशु विहार। और इनको रटना नहीं है, मैंने इन पर ट्रिकी वीडियो बना रखे हैं, एक बार देख लेना प्ले लिस्ट में जाके, आपको 100% याद हो जाएंगे, आई गारंटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि यूनिसेफ के नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि ED जो होंगे, उनका नाम है हेनरिटा फोरे। याद रखना, यूनिसेफ के जो नेक्स्ट अगले ED होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका नाम क्या है, हेनरिटा फोरे।
देखो ये हेनरीटा को अब याद कैसे रखना है, देखो इसमें भी एक स्टोरी कनेक्ट करते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो चिल्ड्रन आ रहा है, ठीक है, तो बच्चों के लिए हमने एक लेडी को सेलेक्ट कर लिया कि बच्चों का ध्यान रखेगी, इस तरह से ध्यान रख लो, ठीक है। तो आपने पिक्चर में गाना सुना होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक गाना था सेनोरिटा, सेनोरिटा। तो ऐसे ही बस उससे थोड़ा सा देख लो, हेनोरिटा बन रहा है, ठीक है, हेनरिटा, सेनोरिटा, हेनरिटा, ठीक है। तो आप इसको देखोगे, यूनिसेफ ने क्वेश्चन कैसे देखना है, आप देखो यूनिसेफ ने अपना नया या अगला ईडी किसे चुना है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए, मस्त है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी में चिल्ड्रन के लिए आपने कोई एक लेडी को चुना, तो लेडी से आपको याद आ जाएगी सेनोरिटा, बहुत फेमस है, तो सेनोरिटा का हमने चुन दिया, और सेनोरिटा से बन जाएगी हेनरिटा। मान लो सेनोरिटा की बहन है कौन? हेनरिटा। तो ऑप्शन में देखोगे हेनरिटा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक हो गई, स्टोरी बन गई, आप अब नहीं भूलोगे इसे, ठीक है, गारंटी ले लो। रटने से बहुत बेहतर होता है ये स्टोरी कनेक्ट करके पढ़ना। चलिए हेडक्वार्टर देखते हैं, न्यूयॉर्क यूएस में है इसका, और ये इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? यूनाइटेड नेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल चुन लिया है, किसको? कुमी नायडू को, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें मेरे को कुछ ऐसा बना नहीं, स्टोरी बनाना, अगर आपको कुछ आए आइडिया तो बताना, ठीक है, मोस्ट वेलकम है। तो अभी तो ये याद ही रखना कि एमनेस्टी यूनिवर्सिटी ने नेक्स्ट अपना सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया है? कुमी नायडू को। अब देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अभी बता दूं, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, अभी 26 जनवरी 2017 को जो IBPS PO का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था वो भी मैं बताता हूँ कि एमनेस्टी यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो मैंने ब्लू से बोल्ड कर रखा है नीचे। तो आंसर था उसका लंदन, इंग्लैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, तो एमनेस्टी यूनिवर्सिटी है क्या? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ फेयर के लिए काम करती है, मानव अधिकार के लिए काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, बस नाम याद रखना, एमनेस्टी यूनिवर्सिटी का अगला जो सेक्रेटरी जनरल होगा कुमी नायडू, नायडू, ओके। देखिए अगला है, इंडिया अपना पहला रनवे बनाने जा रहा है कहाँ पे? ऑन सी ब्रिज पे, ठीक है, कहाँ पे बनाएगा? अगत्ती एयरपोर्ट कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। तो याद रखना, इंडिया का पहला आ गया, तो फर्स्ट आ जाता है वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कुछ अलग कर रहा है ये, ठीक है। सी ब्रिज पे इस तरह से आप देख सकते हैं इमेज पे, ये वहीं की इमेज है, तो इस तरह से ये अपना रनवे बनाएगा, और कहाँ पे? अगत्ती एयरपोर्ट लक्षद्वीप पे, ठीक है, मेरे ख्याल से याद रह जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आज इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो इसमें हो सकता है कम न्यूज़ होने के कारण मैंने पीछे वाले क्वेश्चन जो हम लेकर के चलते हैं रिवीजन वाले वो ज़्यादा ले लिए हों, तो आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। इंग्लिश में लिखे हुए, मीडियम इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना अगला सेक्रेटरी जनरल किसे अपॉइंट किया है? तो कोई नायडू वायडू थी ऐसा था, ठीक है, तो नायडू, कुम्मी नायडू, तो आंसर क्या होगा? सी वाला, कुम्मी नायडू। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, कि यूनिसेफ ने अपना नेक्स्ट ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया है? अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वैसे आपको दे भी रखी है, ठीक है। तो चिल्ड्रन से हमें याद करा था, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, तो चिल्ड्रन की इमरजेंसी में हमें चिल्ड्रन के लिए कोई एक लेडी लानी पड़ी, तो लेडी में हमें तो एक ही नाम आता है, सेनोरिटा, तो सेनोरिटा तो बिजी है डांस करने में, तो हम उसकी बहन को लिया है, हेनोरिटा को, तो हेनोरिटा आंसर होगा इसका, कहीं देखो आ रहा होगा, ये रहा सी वाला, हेनोरिटा 4A। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा है BCCI ने अपना नया जनरल मैनेजर किसे अपॉइंट किया है? तो किसे करेगा? जिसे सब आता होगा क्रिकेट में, जिसे सब आता होगा, बॉलिंग भी आती होगी, बैटिंग भी आती होगी, फील्डिंग भी आती होगी, दौड़ना कूदना सब आता होगा, ऐसे याद रख लो, जिसे सब आता है वही बनेगा प्रेसिडेंट। तो सब आता है, सबा सबा सबा, पी वाला आंसर होगा, सबा करीम। अगला देखिए, देखिए ये रिवीजन वाले क्वेश्चन है, अब पुरानी न्यूज़ से हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है। पूछा है, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ने रिज़ाइन दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो क्या था, हमने कल परसों ही बात करी थी, शशि अरोड़ा, ठीक है, अरोड़ा मैंने कहा था, कपिल शर्मा वाला अरोड़ा याद रखना, याद आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत की बायोग्राफी, नाम क्या है? त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा कैरा सेन का सूरज,
किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसने लिखा था? बिष्ट था कोई, नंदन सिंह बिष्ट, है ना, याद रखना, नंदन सिंह बिष्ट। अगला देखते हैं कि फार्मर्स डे यानी कि किसान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी, किसान टमेटो सॉस कितने रुपए का आता है? 2300 रुपये का, ठीक है, कितने रुपए का आता है? 2300 रुपये का आता है, तो इससे याद हो जाएगा 23, और दिसंबर तो सारे ऑप्शन ही दे रखे हैं, तो 23 दिसंबर आंसर होगा इसका, डी वाला। चलिए अगला देखते हैं, पूछ रहा है कि नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ पेरू किसे अपॉइंट किया गया? तो पैरों में सुबह सुबह पैरों की शामत आ जाती है, हमने ट्रिक देखी थी, सुबह सुबह क्या होता है अभी ठंड में, पैरों की शामत आ जाती है, सुबह 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 सुबह, देखो सुबह रायडू, सेकेंड वाला ही है सुबह, तो सुबह रायडू, तो आंसर क्या होगा? बी वाला, सुबह रायडू। अगला देखते हैं, किस स्टेट में भारत का पहला डिज़ाइन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ओपन किया गया या उसका कैंपस खोला गया? कहाँ खोला था? हमने देखा था 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, हरियाणा में, ठीक है। अगला, विच सिटी वॉज अनाउंस्ड, किस कौन सी वाली सिटी है जो कि होस्ट करेगी 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स बाय कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा, ठीक है, तो इसका तो आंसर होगा बर्मिंघम इंग्लैंड। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ही जो नया एग्जाम हुआ था यानी कि अभी 26 जनवरी 2017 को IBPS PO में वो इस पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये नहीं था, मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। जैसे अभी हमने पूछा है 2022 का, वहाँ था 2018 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होंगे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? गोल्ड सिटी, जो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ वो आंसर था, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया, 2018 की जगह क्या कर दिया, 2022 आपसे पूछ लिया, तो वो कहाँ है? बर्मिंघम, ठीक है। अगर 2014 का पूछूँ तो क्या बताओगे? स्कॉटलैंड, जी बिल्कुल, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड होगा 2014 का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच सिटी, हाँ, कौन सी सिटी बन गई है जो कि अब इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में टॉप करेगी, या कि कौन सी सिटी टॉप सप्लायर बन गई है क्रूड ऑयल के मामले में इंडिया के लिए? तो पहले कौन थी? सऊदी अरबिया, अब कौन है? इराक, इराक ने पछाड़ दिया है सऊदी अरब को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के मामले में इंडिया को, और वो टॉप बन गई है। अगला देखते हैं, मूर्ति देवी सम्मान 2017 का किसे दिया गया? तो मूर्ति देवी हमने ट्रिक देखी थी, स्वामी लोग जाते हैं खुश हो जाते हैं, ठीक है, तो जॉय खुश हो गए, गो जाकर के स्वामी लोग, तो जॉय गो स्वामी, ठीक है, आ गया होगा मेरे ख्याल से। अगला देखते हैं, वो विल बी अवार्डेड विद द नेशनल डिजाइन अवार्ड 2017 का, डिजाइन रेडी करते थे वो मिसाइलों की, डिजाइन रेडी करते थे, याद आ गई ट्रिक, तो रेडी, रेडी कौन है? ये रेडी, सी में देखो जी, सतीश रेड्डी। तो देखो यही तरीका होता है, अगर आपने रटा होता ना तो आप सोचते थोड़ी देर माइंड में, वास्तव में देखो डिफरेंस क्या है जो आप शायद अभी तक करते थे, रटने में तो आपको सोचना पड़ेगा, मिक्स भी हो सकते हो, कंफ्यूज भी हो सकते हो, लेकिन स्टोरी लर्न है तो क्विक फटाफट से आप स्टोरी पे पहुंच जाओगे, और स्टोरी से आप डायरेक्ट आंसर पे और आगे बढ़ जाओगे, और टाइम बचाओगे आप, सबसे बड़ी चीज टाइम है। अगला देखिए, वू हैज वॉन चिली प्रेसिडेंट इलेक्शन, चिली के प्रेसिडेंट किसे बनाएंगे, जिसे सब आता है, हमने बात करती, देखो चिली वाला नक्शा याद आ रहा है, मैंने कहा मिर्ची जैसा नक्शा है, ठीक है, तो किसे बनाएंगे, जिसे सब आता है, बस वो मिर्ची बहुत खाते हैं, चिली बहुत खाते हैं, ठीक है, तो सब आता है, सेबेस्टियन पिनेरा, ठीक है। अगला देखो, रिचर्ड काका किस खेल से रिलेटेड हैं? तो रिचर्ड काका की अभी हमने बात करी थी, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो फुटबॉल से रिलेटेड हैं, तो आंसर होगा फुटबॉल, डी वाला। अगला देखिए, पीवी सिंधु अभी जो कंपटीशन हुआ था कहाँ पे, दुबई में, कौन सा वर्ल्ड बैडमिंटन सुपर सीरीज फाइनल 2017 में पीवी सिंधु को कौन सी रैंक मिली थी? तो ये फर्स्ट आई थी या सेकेंड आई थी, बताओ, ये सेकेंड आई थी, ठीक है, तो बताना है फर्स्ट कौन आई थी, चलो रहने दो, आप लोग कमेंट तो करते हो नहीं, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, कौन आई थी? मैंने बताया था यामा की गाड़ी का पिकअप अच्छा होता है, तो वो जीतेगी ही जीतेगी, तो जिसके भी नाम में यामा होगा तो वो जीतेगी ही जीतेगी, तो यामा गुच्ची, तो आंसर क्या होगा? यामा गुच्ची फर्स्ट आई थी, ये दुबई में हुआ था, क्वेश्चन में ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।